हेलो लवर, ये वेलकम टू हिंदी नॉन वेज जोक्स चैनल। कैसे हो मेरे प्यारे लवर? ये मेरी दूसरी चैनल है। पहली वाली मेरी चैनल है श्वेता जैन ऑफिशियल चैनल, जिसमें गुजराती नॉन वेज जोक्स रखे जाएंगे, और ये वाली दूसरी चैनल है जिसमें हिंदी नॉन वेज जोक्स रखे जाएंगे। तो ये मेरी नई चैनल है, तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें हम हिंदी नॉन वेज जोक्स रखेंगे, ताकि हमारे यूपी बिहारी जो फ्रेंड है ना, वो भी सुन के एंजॉय कर पाए। तो जिसको गुजराती सुनना है वो भाई श्वेता जैन ऑफिशियल चैनल में जाए, जिसको हिंदी सुनना है वो ये वाली चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अब आ गए हैं सब हम, तो बिना कोई बकचोदी किए हम नॉन वेज जोक्स की शुरुआत कर रहे हैं। ओ भाई, कर दो ना सब्सक्राइब। हेलो लवरिये, मेरे सेक्सी वाले गंदे नॉनवेज चुटकुले सुनने वाले लवरिये, हिंदी नॉनवेज चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे ओ भोसड़ी वाले चचा, नीचे बैठ जाइए। अबे ओ चूतिए, तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? बैठ जा नीचे। ये लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, नई चैनल है फिर भी इसमें भी सपोर्ट करेंगे, तेरे को क्या दिक्कत है? चुप, बैठो नीचे। मैं इस दोनों चुतिये को संभालती हूँ, तब तक आप मेरे इस दोनों को दबा दीजिए। अरे मेरे ये नोटिफिकेशन है ना, उसको दबा दीजिए। हर बार आप मेरे वीडियो देखना, हाँ हिंदी नॉन वेज जोक्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अब बहुत बकचोदी हो गई, अब हम करते हैं नॉन वेज जोक्स की शुरुआत। एक बार दोनों बड़े बड़े बोबले आपस में बात कर रहे थे। एक बोबले ने कहा, आज मुझे बहुत दुख रहा है। तब दूसरे ने भी कहा, मुझे भी दुख रहा है। दोनों बोबले बात कर रहे थे, तब एक बोबले ने बोला, चोर जब नीचे की गली में आते हैं चोरी करने, तब हम दोनों पकड़ा जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब चुदाई कर रहे हो तो सिर्फ चुत को ही चोदे, खामखा बोबले के ऊपर क्यों टूट जाते हो मेरे लवरिये? बोबले को आराम से धीरे धीरे दबाना चाहिए, ताकि सामने वाले को भी मजा आए। अगर उसको मजा नहीं आएगा तो आपको लात मार देगा, एक टुक करके लात मार देगा और नीचे गिरा देगा। तो मजा आप अच्छे से करे और कराइए। औरतों के दो करिश्मे है, औरतों के दो करिश्मे है। घास नहीं खाती फिर भी दूध देती है, घास नहीं खाती फिर भी दूध देती है। लंड नहीं है फिर भी आदमी लोगों की गांड मार लेती है, लंड नहीं है फिर भी आदमी लोगों की गांड मार लेती है। अरे ओ आदमियों, कितने आदमियों सहमत है मेरी बात से? कभी आपकी भी गांड मारी है किसी औरत ने? कहा एक बार पत्नी ने पति से कहा, सुनो जी मुझे ब्रा लेनी है, चलो मार्केट में ब्रा लेने। पति, अरे ओ इतने छोटे छोटे तो है, क्या ब्रा लेनी है ब्रा लेनी है? पत्नी ने कहा, सुनते हो आपने भी कल अंडरवेयर ली थी, तब मैंने कुछ कहा था आपको? आपने भी नई चड्डी ली ना, मैंने आपको बोला कि आपका लंड छोटा है, आप मत इतनी नई चड्डियां खरीदो। मुझे भी लेने हैं अपने बोबले के लिए, अगर मेरे धाये छोटे हैं तो आप उसको बढ़ा दो ना, आप बड़े बड़े कर दो, ऐसा नहीं है कि छोटे हैं तो हम ब्रा ना पहने, समझे? अभी तक का सबसे प्राण घातक गाना, गाना सुनिए। रणवीर सिंह ने कहा, लहू लग गया। दीपिका, मैंने पहले ही कहा था पीरियड का महीना चल रहा है, क्यों मेरी चुत में अपना मुंह डाला? नई नई एक कपल में शादी हुई थी, नई नई शादी होने के बाद वो लोग सुहागरात मना रहे थे। तब दुल्हन ने कहा, दर्द हो रहा है, जरा धीरे से धीरे से। दूल्हा, कुछ नहीं होगा मेरी जान, बस तुम 10 मिनट तक गिनो, मैं निकाल दूंगा, ओके? दुल्हन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अबे भोसड़ी के 10 गिन अब तो निकाल। पप्पू की एक कॉलेज में लड़ाई हो गई, एक लड़की से लड़ाई हो गई, पप्पू ने उसकी चुत में उंगली डाल दी। लड़की ने गुस्से में बोली, तेरी ये हिम्मत
मेरी चूच से उंगली निकाल, पप्पू ने कहा। तूने ही तो कहा था उंगली नीचे करके बात कर। एक छोटा बच्चा अचानक पेरेंट्स के बेडरूम में से दौड़ता हुआ आया, चीखता चिल्लाता, खुद जो मर्जी आए चूसो और मुझे अंगूठा चूसने पर इतना मारते हो, क्यों मारते हो भला भोसड़ी वालों। रेशमा, तुम्हारे पति हमेशा घर पे समय से ही आ जाता है, ऐसे क्यों समय पे आ जाता है तुम्हारा पति। सलमा, मैंने एक आसान सा नियम बनाया है, सुनना चाहेगी। चुदाई ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगी, चाहे तुम समय पर पहुंचो या नहीं। मैंने ऐसा अपने पति को बोल के रखा है, इसलिए वो साला टाइम पे ही घर आ जाता है। तुम भी अपने पति से बोल दो कि चुदाई 9 बजे से ठीक शुरू हो जाएगी, तुम आ पाओ या ना आ पाओ, हम फिर बाजू वाले से चुदा लेंगे। चुद को तो लंड मंगता ही मंगता है, समझे। अरे ओ लंड वाले लवरिये, बड़े बड़े लंड वाले, अभी विंटर का मौसम चल रहा है, विंटर में सबको चुदाई चाहिए, कुत्ते को कुत्ती से, बिल्ली को बिल्ले से, सबको, इंसान हो या जानवर, सबको चुदाई मांगती है। आप एक काम करो, जब आपको चुत न मिले तब आप मुठ मार लो, मुठ मारने से मन को शांति मिलती है, तन को शांति मिलती है, रोज एनर्जी नई नई डेवलप होती है। तो मित्रों, मुठ मारते रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, मुठ मारने से सेहत अच्छी होती है। और अब दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगी मुठ मारने के फायदे और नुकसान, ठीक है। तो अब इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी के नॉनवेज जोक्स हम दूसरे वीडियो में सुनेंगे। तब तक हिंदी नॉनवेज जोक्स चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मुठ मारते रहिए, आप उसमें मेरा नाम भी ले सकते हैं।